दोस्तों फाइबर वाली वाईफाई केबल किस तरह से सेटअप की जाती है, क्या उसका प्रोसेस है, किस तरह से सेटअप उसका पूरा तैयार किया जाता है, आज इस वीडियो में आपको वो पूरा तरीका जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने एक्साइटल का वाईफाई फाइबर वाला लगवाया हुआ है, बाकी सभी कंपनीज का लगभग सेम ही प्रोसेस होता है, बस कंपनी का डिफरेंस होता है लेकिन जो प्रोसेस होता है वो लगभग बराबर सा ही होता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सेटअप किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक गैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये एक्साइटल की तरफ से ये भाई साहब आए हैं, सबसे पहले आके इन्होंने एक ये बॉक्स, छोटा सा बॉक्स है, इसको ये तैयार करेंगे। इसमें किस तरह से करेंगे आप देखते हैं, इसको इन्होंने खोल के, एक्चुअली इसको हम सेफ्टी डिवाइस बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपकी जो फाइबर केबल है उसमें जो जॉइंट होगा वो इसके अंदर सेफ्टी से लगेगा। इसके जो खंभे पे से आपकी जो फाइबर की केबल आएगी वो इस बॉक्स के अंदर आएगी और इसके अंदर से दूसरी केबल, ये जो येलो वाली केबल है, वो निकल करके आपके जो राउटर है उसके अंदर जॉइंट होगी। तो इस येलो केबल में और आपकी जो फाइबर की केबल में जो जॉइंट होगा वो इसके अंदर सेफ्टी से रखा रहेगा। ये देखिए इस तरह से ये फाइबर जो केबल है जो हमारी आएगी उसको ये तैयार कर रहे हैं। ये उन्होंने इसको खोला तो ये जो वाइट आप देख रहे हैं बेसिकली कुछ नहीं है, इसका सेफ्टी करने के लिए उसके ऊपर नीचे ये लगे हुए होते हैं फाइबर केबल। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी पतली सी बड़ी छोटी सी होती है ये पूरा, इतनी मोटी केबल के अंदर आपकी छोटी सी केबल निकलेगी जो कि फाइबर की केबल होगी। देख रहे हैं आप ब्लू कलर की, आपको पर्पल टाइप की कलर, पर्पल और ब्लू कलर की कुछ दिख रही होगी, बिल्कुल ही पतली सी वो है मेन फाइबर केबल। बाकी जो उन्होंने काट पीट के अलग हटा दिया है वो तो इसकी सेफ्टी के लिए ऊपर से लगा हुआ था। अब ये इसको सेटअप करेंगे, देखिए इस बॉक्स के अंदर इसको करके ये इसको सेटअप कर रहे हैं अच्छी तरह से, जिससे हिले डुले ना, ताकि आपको अब बाद में कुछ परेशानी ना हो, इसके जॉइंट्स जो हैं ठीक रहें। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये आगे एक मशीन में इसको डाल करके जो येलो केबल और इस वाली फाइबर की जो केबल है उनको जॉइंट को बिल्कुल जो सेपरेट दो तार है उनको जॉइंट कर देंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये एक ही केबल थी। मैं आपको अभी पूरा इसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने ये करेंगे। तो ये तामझाम का पूरा ये एक छोटा सा बॉक्स है, साथ में ये येलो केबल है, ये पूरा अपना सामान लेकर के आए हैं। ये देखिए इसके अंदर इस तरह से अलग अलग ये बने हुए हैं, इसमें आपकी केबल ये सेफ्टी से रहेगी। ये देखिए इसी तरह से इन्होंने येलो केबल भी हो ऊपर की जो उसकी सेफ्टी की परत है वो हटा दी है, ये मशीन लेकर के आए हैं। इसी मशीन के द्वारा ये इन दोनों जो केबल हैं उसको जॉइंट करेंगे। तार को छील के कुछ इसकी कटिंग वगैरह करके आप देख सकते हैं किस तरह से कर रहे हैं ये। बेसिकली पूरी प्रक्रिया जो है काफ़ी सावधानी पूर्वक करी जाती है। देखिए इन्होंने येलो वाली केबल का जो अंदर वायर था वो इसके मशीन के लेफ्ट हैंड साइड से अंदर किया है और जो हमारी फाइबर की केबल वाली है जो मैंने आपको ब्लू और पर्पल कलर की दिखाई थी वो दूसरी तरफ से इसके अंदर डालेंगे। और अंदर डालने के बाद ये बिल्कुल ही जॉइंट हो जाएंगे जैसे एक ही केबल हो। ये देखिए ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं वहाँ पे, ये अब ये देखिए आप मशीन में दिखाई देगा आपको, ये दोनों केबल जॉइंट हो रही हैं।
ये देखिए, अब ये दोनों केबल ये देखिए जुड़ गई हैं। ये देखिए एक केबल हो गई, अब इसके ऊपर सेफ्टी गार्ड इस पर लगा देंगे ताकि ये हिले डुले ना उस जॉइंट पे से। अब ये इन मशीन का यहाँ पर काम हो गया है, अब बाकी काम ये इसको इस तरह से सेट करके इस बॉक्स के अंदर सेफ्टी से आराम से इसको बंद करके सेट करके रख देंगे ताकि हिले डुले ना, टूटने फूटने का खतरा इसमें ना रहे। ये इसका एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस अभी तैयार हुआ है। अभी पूरा मेन आपका राउटर का और जो ये पोल पे से सारी सेटिंग करेंगे, इनकी जो वायर आ रही है वो मैं पूरा भी आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से पूरी तरह से ये सेट किया जाता है फाइबर वाली केबल जो होती है वाईफाई। ये ओनर्स जो है सर, तो ये आप कहीं से लाए हैं? हाँ, जब नहीं हो रहा था जुगाड़ तो। अच्छा, राउटर अगर देंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? अगर राउटर वाला लेंगे तो इसके ओनर्स डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? राउटर कम, ये ओइनो कंपनी ने बंद कर दिया है यहाँ। अच्छा, इनमें स्पीड भी कम ही आती है। अच्छा, तो अब राउटर आके और लगेगा यहाँ पे, बाकी काम सेट है। ये ऐसे कैसे रखा रहेगा? ये क्या ये बटन है? अच्छा, ये तो वैसे ही है, कुछ अलग से नहीं है, बस यही है। अभी इनका दूसरे भाई साहब जो है वो नीचे खंबे पर तार की सेटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से कितना तार इनको छोड़ना है, कितना घर के अंदर के लिए सफिशिएंट रहेगा। ये पूरी प्रॉपरली आपसे पूछेंगे आपको भैया घर के अंदर कितना तार चाहिए, आप जितना चाहे उतना लगवा सकते हैं, इसका प्रॉपर चार्ज लेते हैं ये। इसमें एक बॉक्स में कितने जने के लग सकते हैं? आठ के। अच्छा, चार आठ। कपलर आठ का होता है ना? अच्छा, इसमें लगने को तो कितने भी, 16 का भी होता है, 32 का भी होता है। अच्छा, ये आठ वाला है? हम आठ लगाते हैं एक बॉक्स में। अब ये खंबे पे आकर सेटिंग कर रहे हैं, किस तरह से बॉक्स तैयार कर रहे हैं। पतला काम भी है, मैं तो सोच रहा फाइबर की केबल मोटी होती होगी, ये तो और पतली सी है। अब एक मजे की बात पता चलेगी आपको। अच्छा, मेन यही होती है, पतला सा जो तार है केबल का फाइबर हमारी यार, मेन हम राइट में लगाते हैं। नहीं है तो पतली वाली ना वो? नहीं, मोटी है। नहीं नहीं, ये अंदर वाला तार। हाँ, ये कांच का होता है। कांच का फाइबर, कांच की है। जी हाँ, ये देखिए जो पतला सा जो फाइबर केबल होती है वो कांच की होती है, पतली। अभी इसको सेट कर रहे हैं बॉक्स के अंदर, ये जो केबल मेरी जो मेरे यहाँ घर पे केबल लगाई है वो इसको इस तरह से सेट कर रहे हैं। अभी बॉक्स तैयार कर रहे हैं, बेसिकली ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, काफ़ी इसमें टाइम लगता है, अलग अलग बाकी लोगों के भी इसमें लगे होते हैं। वो जो एक अकेली तार दिख रही है वो इनकी तार जो प्रोवाइडर हैं उनकी तार आ रही है, और जो इधर आपको तीन चार केबल दिख रही हैं ये इनका आउट है, मतलब चार जनों का जो फाइबर वाली केबल है वो इन्होंने आउट दिया हुआ है। अभी उन सभी तारों को आपस में जोड़ेंगे, इनकी जो केबल आई हुई है और उसको आउट केबल से जोड़ेंगे, उसी तरह से मशीन से प्रक्रिया करके ये जोड़ेंगे। बारी बारी से जो सारी केबल्स हैं ये इनको जोड़ करके एक करेंगे ताकि कोई भी जॉइंट जोड़ उसमें ना बचे। Thank you.
इन्होंने एक्सेस केबल अंदर लगा दी है। बाकी अब ये इन केबल को और आउट केबल को आपस में जोड़ेंगे। इस तरह से कटिंग वगैरह करके आप ठीक तरह से देख सकते हैं। इनकी मशीन है काफ़ी बड़ी चमत्कारी मशीन है। इसमें कांच की जो वायर है बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ जाती है, इसमें जॉइंट नहीं बचता। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये मुझे ये भी नहीं पता था कि इस तरह से ये केबल आपस में जुड़ेंगे। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ये केबल आपस में जुड़ेंगी जॉइंट कैसे करेंगे, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया तरीका है जोड़ने का। ये मशीन को इस तरह से इस्तेमाल करके ये कांच की जो केबल है, कांच की फाइबर केबल है, ये आपस में बिल्कुल जुड़ जाती है। ये देखिए इस केबल को उधर से लगाया, एक केबल इधर से लगाई हुई है। अब मैं आगे आपको ये मशीन में क्लियरली दिखाऊंगा कि किस तरह से ये होता हुआ दिखाई देगा, ये किस तरह से ये जॉइंट होती है। मेन इनका यही प्रोसेस है, इसको इस तरह से दोनों केबल्स को, इन केबल को और आउट केबल को आपस में जॉइंट करना इस मशीन के द्वारा। ये देखिए इस किस तरह से ये ऐसे दो केबल ये आपस में जॉइंट हो जाती हैं। ये देखिए अभी जॉइंट हो चुकी हैं, ये देखिए इस तरह से ये जॉइंट हो गई हैं। अभी इसको जो प्रोटेक्टिव कवर है इसको इसके ऊपर लगा करके इसको एक तरह से सेट कर दिया गया है ताकि ये टूटे ना, हटे ना। ये जितने भी केबल्स हैं, ये तीन चार केबल इसमें निकली हुई हैं, सभी केबलों को इस तरह से प्रॉपर जोड़ते हैं, जॉइंट करते हैं। ये देखिए ये वाली केबल भी जुड़ गई है, इसको प्रोटेक्टिव केस के अंदर सेट कर दिया गया है। अभी प्रक्रिया लगभग समाप्ति की ओर है, इन्होंने पूरी तरह से सारे जो वायर्स हैं इनको इन्होंने सेट कर दिया है। अब ये इनको ठीक तरह से अंदर सेट करके और ये जो एक्सेस केबल हैं इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके, राउंड करके इसको इसके अंदर ही बॉक्स के अंदर ठीक तरह से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद ये करेंगे बॉक्स को बंद। ये देखिए सामान अपना इन्होंने तामझाम समेटना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो एक्सेस केबल है, एक्सेस तार जो हैं वो इनको अंदर ठीक तरह से सेट कर रहे हैं। अब ये सेट कर चुके हैं, करेंगे अब ये इस बॉक्स को बंद। तो ये हमारा जो भैया देखो ये बॉक्स है ये पूरी तरह से सेट हो गया है। अभी जो दूसरे वाले भाई साहब हैं इनके साथी जो हैं वो इसको खंभे के ऊपर करके सेट कर देंगे। ये देखिए ये हैं अपना कर देंगे सेट अच्छी तरह से बांध बूंद के। अब हम चलते हैं घर के अंदर, तो ये अब इसके सिग्नल चेक करेंगे कि क्या सिग्नल अच्छी तरह से आ रहे हैं। जी हाँ सिग्नल बढ़िया परफेक्ट इसमें केबल में आ रहे हैं। इसका मतलब वो जो बाकी जो पीछे हमने खंभे पर तारें देखी थी सब अच्छी तरह से जॉइंट हो चुकी हैं, किसी में कोई भी परेशानी नहीं है। ये इन्होंने
ये राउटर है, ये राउटर इनकी तरफ से दिया गया है, ये 2000 रुपये इन्होंने चार्ज किया है। और ये जो इन्होंने राउटर दिया है, ये राउटर 2000 रुपये की कीमत का है, लेकिन इससे स्पीड अच्छी आती है, बस ये है। अभी इसको स्कैन वगैरह कर रहे हैं, अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक तरह से कर रहे हैं कि भैया कौन सा राउटर इन्होंने कौन से सीरियल नंबर का किसके यहाँ लगाया है, अभी उसको सेट कर देंगे। ये डबल बैंड है? हाँ डबल बैंड है, ठीक है। 4G 5G ठीक है। और ये वॉइस? ये वॉइस अभी इसमें चालू नहीं करा इंटरकॉम। अच्छा, ये इधर वाला, ये वॉइस वाला, ये वाला इंटरकॉम का ही है। कंपनी ने दे तो रहा था पर अभी प्लान चालू नहीं करा है। और दो इसमें लाइन के ये तो आउटपुट है दो। हाँ लाइन के। अच्छा, मतलब इनपुट में इसमें लैन केबल वाला नहीं है। तो ये प्रॉपर जो प्रक्रिया थी इसकी, किस तरह से जो फाइबर वाली केबल है किस तरह से सेटअप किया जाता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में आपको आज दिखाया। अब ये कॉन्फ़िगर करके वाईफाई किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है, और इसके जो बॉक्स के जो स्पेसिफिकेशंस है, जो फीचर्स है, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो बस यही था, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।